नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल वफ काउंसिल के कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट निकला है कि आप कॉमन सर्विस सेंटर खोलना है तो आप इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। इसकी ERFE और EY जो है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके इस पेपर को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो किस तरीके से लिया जाता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और किस तरीके से आपको इसमें प्रपोजल भरना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि आपकी फर्म इसमें एलिजिबल है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको 7 पॉइंट्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं कि किस तरीके से आपको जो है ये चेक करना है कि आपकी फर्म जो है वो एलिजिबल है या नहीं है। सबसे पहला जो पॉइंट है, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। आपका जो फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको इसमें लगाना पड़ेगा। आपके पास सोसाइटी हो या कंपनी हो, कुछ भी हो। वैसे तो ये जो निकला है, मतलब ये प्रोजेक्ट है, इसमें कंपनी नहीं चल पाई है, इसमें आपको NGOs की ही जरूरत है। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी, मतलब आपके पास ट्रस्ट है या सोसाइटी है, आप उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इसमें आपको लगाना रहेगा। दूसरा एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो कम से कम 1 साल पुराना इसमें होना चाहिए। ठीक है, ये हमने देख लिया है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ लिखा हुआ है 1 ईयर रजिस्ट्रेशन, यानी कम से कम आपकी सोसाइटी या NGO 1 साल पुराना होना चाहिए। तीसरी चीज अब हम देखते हैं, जैसे ये 2 पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं। तीसरी चीज अगर हम देखते हैं कि आपके पास जो पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपके पास 3 साल का होना चाहिए। 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन सेक्टर, यानी आपने 3 साल से पूरा आपका जो भी सोसाइटी है या NGO है वो 3 साल से एजुकेशन में काम करना होना चाहिए, ट्रेनिंग में काम करना होना चाहिए, प्लेसमेंट में काम होना चाहिए। तो इस तरीके की प्रोफाइल होना चाहिए कि, तो अगर आपकी 3 साल पुरानी इस तरीके की प्रोफाइल है तो आप इसमें, इस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। 4th पॉइंट है टर्नओवर का। टर्नओवर में आपको कैसे चेक करना है कि 3 साल का आपको एवरेज जनरल टर्नओवर निकालना है और वो होना चाहिए 2 लाख के आसपास। अगर आपका 3 साल का एवरेज टर्नओवर 2 लाख है तो आप इस प्रोजेक्ट को लगाने में एलिजिबल हो जाते हैं। बात करते हैं 5th पॉइंट की। 5th पॉइंट में देखिए, आप NGO दर्पण, आपका सोसाइटी का या आपका NGO का जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो NGO दर्पण में होना चाहिए। अब NGO दर्पण पर अप्लाई करने के लिए मैंने अलग से ही वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में NGO दर्पण में किस तरीके से हम लोग सोसाइटी या फिर NGO को रजिस्टर्ड करते हैं उसका वीडियो उसमें देख सकते हैं। वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6th पॉइंट है 50% ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी। इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी आपकी सोसाइटी बनी हुई है या फिर NGO बना हुआ है उसमें 50% से ज्यादा फैमिली मेंबर्स नहीं होने चाहिए। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद 7th पॉइंट है, 7th पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी का, वो हम देखते हैं कि NGO या सोसाइटी का रिकमेंडेशन या तो हमें वफ बोर्ड से करवाना है या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है उससे करवा सकते हैं आप, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस होता है जिसे हम DEO बोलते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट जो माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट होता है वहां से। तो हम लोग को इस NGO का पूरा जो रिकमेंडेशन करवाना है वो इन 3-4 ऑफिस से आप करवा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ये ऑफिसेज होते हैं, वहां से आप लोग इनको करवा सकते हैं। तो ये कुछ 6 to 7 पॉइंट्स थे जो एलिजिबिलिटी है। अगर आपकी आपकी सोसाइटी या NGO अगर इन 6 to 7 पॉइंट्स में लाई कर रही है तो आप इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत आपको इस प्रोजेक्ट में लगने वाली। सबसे पहले जो है एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा ऑफ द स्कीम। आप देखेंगे जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें आपको एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसमें इस तरीके से प्रपोजल जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। तो आप जो है एप्लीकेशन जो है वो प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, सेकेंड जो है लिस्ट ऑफ मेंबर्स विद आधार कार्ड एंड कॉन्टेक्ट नंबर। जितने भी सोसाइटी या फिर NGO में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी आपको आधार कार्ड और फोन नंबर्स के हिसाब से, फोन नंबर के साथ ये लिस्ट आपको इसमें लगानी रहेगी। तीसरा पॉइंट है फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर यानी आप किस तरीके से बच्चों का एडमिशन लेंगे, क्या पढ़ाएंगे, उसके हिसाब से आपको उनका फी स्ट्रक्चर भी उनमें मेंशन करना है।
चौथा पॉइंट है डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय सपोर्टिंग एजुकेशन इन मुस्लिम, आपको क्या है पूरा जितना पास्ट एक्सपीरियंस। जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है वो है पास्ट एक्सपीरियंस का। पास्ट एक्सपीरियंस में आपको क्या बताना है कि आपकी सोसाइटी या आपकी एनजीओ ने कितने काम किए हैं, 3 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो, 10 साल पुरानी हो, तो एजुकेशन सेक्टर में कितने काम किए हैं, फॉर माइनॉरिटी यूथ आपने कितने काम किए हैं, तो आपको एक पूरा एक प्रोफाइल बनाकर उसमें लगाना है पूरा पास्ट एक्सपीरियंस कि आपने कितने बच्चे पढ़ाए हैं, कितने बच्चों का आपने काउंसलिंग किया है, कितने बच्चे आपने प्लेस किए हैं। तो इस तरीके का आपने एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या काम किया है आपकी संस्थान में, तो वो आपको इसमें लगाना रहेगा। पांचवें पॉइंट है कि आपके पास क्या क्या, कितने टीचर्स हैं, कितने काउंसलर्स हैं और कितने मोबिलाइजर हैं, उनकी पूरी डिटेल इसमें जाएंगी। भाई टीचर हैं तो कौन कौन से ट्रेड को पढ़ाते हैं, काउंसलर हैं तो कितने काउंसलर हैं, किस किस चीज़ की काउंसलिंग करते हैं, मोबिलाइजर हैं, मोबिलाइजर मतलब बच्चों को जो मोबिलाइज करते हैं उनको काउंसिल करके लेकर आते हैं, एडमिशन करते हैं, तो ये आपके पास कितने कितने हैं वो आपको इसमें बताना है। आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो भी संस्थान की कॉपी होगी वो सर्टिफाइड जो है वो भी इसमें जाएगी। आपके पास जो MOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर ट्रस्ट डीड या रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी बायलॉज होते हैं उनकी भी आपको इसमें कॉपी लगानी रहेगी। नीति आयोग पोर्टल का जो मैं पहले से बता चुका हूँ, जो एलिजिबिलिटी में आ चुका है कि आपको NGO दर्पण का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है नीति आयोग वाला, वो भी आपको इसमें लगाना रहेगा। आपकी जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट है, ITR है, बैलेंस शीट है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी इसके साथ अटैच होकर इसमें चाहिए। तो ये सारे के सारे थे डॉक्यूमेंट्स जो आपको इसमें सबमिट करवाने हैं। इसके बाद एक ये फॉर्मेट है जो आपको सिग्नेचर सील एंड साइन करके मतलब भरना है, तो इसको आप पूरा एक बार भर दीजिए। इसमें मतलब जनरल चीज़ें जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है, कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी, मोबाइल नंबर मांगा है, कौन स्पोक है, कौन डायरेक्टर है, उनकी ईमेल आईडी जाएगी, उनके फ़ोन नंबर जाएंगे, डिटेल जानी है टीचर्स एंड काउंसलिंग की, तो ये सारी चीज़ें जो भी हमने अभी डिस्कस करी हैं उनका एक फॉर्मेट बना हुआ है। और कुछ एफिडेविट्स भी जाने हैं इसमें, एफिडेविट हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपका NGO जो है वो ब्लैकलिस्ट नहीं है, उसको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जाएगा, आपको मतलब किसी ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया हुआ है, या फिर एफिडेविट इस चीज़ का भी जाएगा। डिक्लेंडेड इंस्टीट्यूट रन एंड मैनेज बाय द एप्लीकेंट सोसाइटी, कोई भी जो भी इंस्टीट्यूट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी ही सोसाइटी रन करती है, इस तरीके का एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट जाना है, ठीक है। इस चीज़ का भी एक डिक्लेरेशन जाएगा 100 रुपीज पर के आपकी जो सोसाइटी या संस्थान है उसमें 50% से ज़्यादा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, ठीक है। तो ये 3 डिक्लेरेशन जाने हैं 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर। तो ये थी कॉमन सर्विस सेंटर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और खोल सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और किस तरह इसको फाइल करना है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है, तो आप इसको जल्द से जल्द फाइल करके लगा सकते हैं। ये टेंडर उन लोगों के लिए हैं जो माइनॉरिटीज़ का काम करते हैं, जो संस्था माइनॉरिटी के लिए काम करती है, माइनॉरिटी यूथ के लिए काम करती है, उनको काउंसिल करती है, उनका एडमिशन करवाती हैं, उनको पढ़ाती हैं, तो उन चीज़ों उन संस्थानों के लिए ये जो है वो टेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, इसको शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।